Hello everyone, I am Saket Bajpai, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says A particle is projected at an angle 60 degree with speed 10 root 3 meter per second from the point A as shown in the figure. At the same time the wedge is made to move with speed 10 root 3 meter per second towards right as shown in the figure. Find the time after which पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेज तो देखिए बच्चों सवाल में कहा गया है कि एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है 60 डिग्री एंगल पे और कितने स्पीड से टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड से ठीक है किस पॉइंट से पॉइंट ए से अब यहां पर ये वेज दे रखा है जिसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और कहा गया है कि इस मोमेंट पर वेज को मूव करवाया जा रहा है टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड से टू से राइट अब हमसे पूछा गया है कि ये पार्टिकल जो है वेज से कितने देर बाद टक्कर खाएगा All right? तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा कि अगर आप वेज के रेस्पेक्ट में देखें तो वेज के वेस्पेक्ट में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले वेज को रोकना पड़ेगा तो वेज को रोकने के लिए आपने लेफ्ट की तरफ टेन रूट थ्री दे दिया तो यही काम पार्टिकल के साथ भी करना पड़ेगा तो पार्टिकल को हमें पीछे की तरफ कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड क्लियर बात और इसके अलावा इसके पास ऑलरेडी क्या था बच्चों मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी था यहां पर क्लियर है बात तो लेफ्ट की तरफ दे दिए टेन रूट थ्री ऑलरेडी खुद का है और यहां पर ये यह एंगल सिक्सटी डिग्री दिया है ये वाला एंगल थर्टी डिग्री दिया है तो इसका मतलब तो ऑटोमेटिकली ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया नाइन्टी डिग्री ऑल राइट तो देखिए बच्चों वेज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वेलोसिटी का एक्स और वाई कॉम्पोनेट यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं वाई एक्सिस किसे कह रहा हूं तो मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इस वाली डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं और वेज के अलोंग है ना द इंक्लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं ठीक है तो देखिए बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं एक्स की दुनिया बनाते हैं तो एक्स की दुनिया में हम लोग बोल देंगे कि यूएक्स कितना हो गया तो Ux हम लोग देख पा रहे हैं कि टेन रूट थ्री का कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस टेन रूट थ्री का थर्टी डिग्री है ना ये एंगल है तो कॉस थर्टी डिग्री यहां पर आ जाएगा टेन रूट थ्री कॉस ऑफ थर्टी डिग्री तो ये हो गया इस अलोंग द इंक्लाइन वाला कॉम्पोनेंट जिसे हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट भी कह देंगे इसी तरह वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि जो यूवाई है वो कितना हो गया तो वो हो जाएगा टेन रूट थ्री ये रहा देखिए बच्चों टेन रूट थ्री ये रहा और उसमें से हमें घटाना होगा ये दूसरे वाले टेन रूट थ्री का कौन सा कॉम्पोनेंट जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट तो यहां पर मैं लिख दूंगा टेन रूट थ्री माइनस टेन रूट थ्री साइन थर्टी डिग्री क्योंकि ये एंगल कितना है बच्चों थर्टी डिग्री तो हम लोग समझ पा रहे हैं एक कॉम्पोनेंट जो है वो कैसा आएगा नेगेटिव y एक्सिस के आएगा ठीक है तो देखिए बच्चों अब हमारे को समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कॉम्पोनेट है है ना ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं यूएक्स और ये वाला जो कॉम्पोनेंट इसे हम लोग कह रहे हैं यूवाई ठीक है UI, तो यूएक्स बेसिकली कितना आ गया टेन रूट थ्री का कॉस्ट थर्टी कॉम्पोनेंट मतलब कि बच्चों ये कितना हो जाएगा टेन रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री बाय टू मतलब ये हो गया फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो यहां लिख देते हैं फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड और इसी तरीके से यूवाई कितना हो जाएगा बच्चों टेन रूट थ्री माइनस टेन रूट थ्री साइन थर्टी साइन थर्टी तो, तो हाफ होता है तो ये हो जाएगा टेन रूट थ्री बाई टू ठीक है मतलब कि ये हो गया फाइव रूट थ्री क्लियर है ये बात तो बच्चों आपको ध्यान रहे ये सारी कैलकुलेशन हम लोग वेज के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल जो है है ना ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से आकर के यहां पर हिट कर गया ठीक है अब देखिए बच्चों हमारे को यहां पर एक्सेलरेशन भी देखना होगा तो देखिए नीचे की तरफ अगर मैं जी दिखा रहा हूं ठीक है तो हमें जी के कॉम्पोनेंट लेने होंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग ठीक है ना तो यहां पर आपको याद होगा ये एंगल थर्टी डिग्री था ये एंगल सिक्सटी डिग्री था ठीक है तो ये एंगल भी हो गया थर्टी डिग्री तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंगल भी हो जाएगा थर्टी डिग्री तो इस वजह से अगर हम लोग एक्स की दुनिया अगर बनाए तो एक्स की दुनिया में यू एक्स कितना लिखेंगे बच्चों Ux लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड और ax कितना लिखेंगे तो ax हम लोग लिखेंगे माइनस जी साइन थर्टी डिग्री और अगर इसी तरीके से y एक्सिस के अलॉन्ग दुनिया बनाए तो हम लोग y की दुनिया में कहेंगे uy हो जाएगा बच्चों फाइव रूट थ्री और ay कितना हो जाएगा तो ay हो जाएगा बच्चों माइनस जी कॉस थर्टी डिग्री ठीक है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों मैंने इस इंक्लाइन के अलोंग वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कहा है तो जब ये पार्टिकल वापस से इंक्लाइन को हिट करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये वापस से एक्स एक्सिस पे आ गया मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट इस लोकेशन का क्या हो गया दोबारा से जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पर एस वाई इक्वल टू जीरो ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला लेकिन y की दुनिया में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन हो जाएगा माइनस टेन इंटू रूट थ्री बाई टू इंटू यहाँ हो जाएगा T square. तो एक टी हम लोग देख कि यहां पर गायब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां से टू और ये फाइव तो बेसिकली आ गया फाइव रूट थ्री बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री ठीक है तो ये तो कट गया तो यहां से टी आ गया टू है मतलब एक्सैक्टली exactly टू को हिट कर देगा ऑल राइट right. तो बच्चों इसी के साथ हमारे सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों Bye-bye.